हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन टाली चैट एंड आई एम एंकर यश आपके साथ आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए और कुछ बातें बताने के लिए। लेकिन आज की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। यस, और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो डू इट नाउ प्लीज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गुम है किसी के प्यार में शो की। आप सभी लोगों को पता है कि शो के अंदर से नील यानी कि आपके विराट और सई यानी कि आयशा सिंह जो है वो निकल चुके हैं, क्योंकि इस पूरे शो के अंदर की जो कहानी है वो बदल चुकी है। करीबन 20 साल का एक बहुत बड़ा गैप आया था। लेकिन क्या आपको पता है कि विराट और सई ने कोई ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 5 साल तक दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे? Is it true, man? No, not at all. इस बात का खुलासा करते हुए आयशा सिंह और इवन नील भट्ट ने बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन दिया है। आयशा सिंह ने तो कह दिया कि ये बात सिर्फ बकवास है, एकदम झूठी बात है। इवन नील भट्ट भी यही कह रहे हैं कि ये बात एकदम आधारहीन है। अब मैं पेशे से वकील हूँ भाई, और मुझे पता है कहाँ साइन करनी है कहाँ साइन नहीं करनी है। आपको क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे बिना कुछ पढ़े ऐसे ही साइन कर दूंगा? जी नहीं दोस्तों, मैं कहीं पे भी ऐसे दस्तखत नहीं करता। आपको बता दे कि भी सई और विराट की जोड़ी को जो फैंस है वो सईराट के नाम से #सईराट के नाम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन उनके शो से अलग होने के बाद लोगों को भी और फैंस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा दुख हुआ है। एंड दे विलिंग टू सी दिस बोथ टुगेदर ऑलवेज इन अनदर शो। ऐसी एक खबर आई थी कि चैनल ने इन इस जोड़ी को बरकरार रखने के लिए इनसे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ये चीजें गलत बताई जा रही है, तो क्या है क्या नहीं सच्चाई तो वही जानते हैं। लेकिन तब तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या स्टे ट्यून्ड।